आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सर्कल शहर को रात के 9 बजे टाइम निकाला। और मैं सिद्धार्थ के हवाले से पब्लिक को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जी देखें, सिंध हुकूमत का नोटिफिकेशन आ चुका है इदारों को बंद करने का, जो गवर्नमेंट ऑफिस हैं, क्योंकि वो म्यूनसिपल जो सर्विस हैं वो एसेंशियल सर्विस हैं और अगर नहीं हो सकती तो ये आपके जो नुमाइंदा हैं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, एम के एम के चेयरमैन हैं, आजाद चेयरमैन हैं, सेक्टर मेट्रो कॉरपोरेशन के एम्प्लॉयज हैं, वो दिन रात आपकी खदमत के लिए काम कर रहे हैं और ये ऑफिसर्स हफ्ते बार को भी खुले रखे जा रहे हैं। तो आपसे पब्लिक से ये गुजारिश है कि एहतियाती तदाबीर जरूर अपनाएं, जो प्रिकॉशनरी मेजर्स डब्ल्यू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दी गई हैं उनको जरूर अडॉप्ट करें। हाथ बनाने से परहेज करें, ज्यादा से ज्यादा हाथ धोएं, एक दूसरे से 3 फीट का फासला रखें। और भी बताता चलूँ कि मास्क जो है वो सिर्फ उसके पहनना है जो पेशेंट के पास जा रहा है या जो कोरोना वायरस के मर्ज में मुबतला हो चुका है। जनरल आदमी ने मास्क नहीं पहनना, उससे ये कि मास्क है तो पहने, मास्क पहन के उसको जलाए, क्योंकि आप मास्क पहनते हैं फिर उस पर हाथ लगाते हैं फिर हम उसको रख देते हैं फिर उसको मुंह के करीब लगाते हैं, तो उससे जो डॉक्टर्स जो अपनी राज्य से हिमाचल में नजदीक है तो उससे खतरात मजीद बढ़ते हैं। तो सिर्फ वो लोग जो कि जा रहे हैं पेशेंट के पास से अल्लाह ने जिसको मर्ज है सिर्फ वो मास्क पहने, बाकी जो प्रिकॉशन है वो जरूर लें। यासिन नाई साहब ने बहुत अच्छी बात की, मैं भी पहले से कह रहा हूँ इसका सबसे अच्छा इलाज जो है वो 5 वक्त नमाज है, तहज्जुद है और बावजू है। तो ये चीज़ है, मैं कह रहा हूँ अगर अभी प्रिकॉशन ले दें तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने चाहा रब्बुल करीम रब्बुल आलमीन इस मर्ज से इस वबा से हमारे शहर को हमारे सूबे को हमारे मुल्क को बल्कि इंशाल्लाह पूरी दुनिया को बहुत जल्द निजात मिल जाएगी। पब्लिक से ये गुजारिश है कि गवर्नमेंट के किए हुए डिसीजन पे इम्प्लीमेंट करें, काउंट करें, बल्कि आप खुद इस वक्त एक गवर्नमेंट का किरदार अदा करें। हर घर के सरबराह से मेरी गुजारिश है, हर घर की हमारी माओ से हमारी बहनों से गुजारिश है कि आप अपने घर में शोर करें, बच्चे सब कम से कम निकलें, जरूरत के तहत निकलें,